ना हम झुक कर बात करते हैं और ना हम गर्दन ऊंची कर, हम वो हैं जो बात करते हैं आँखों में आँखें डालकर। वेलकम टू एडू सफलता दोस्तों, आज हम नरेंद्र मोदी के जीवन की संघर्ष की कहानी कहने जा रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। वडनगर के एक गुजराती परिवार में पैदा हुए मोदी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टॉल चलाया। 8 वर्ष की आयु में वे आरएसएस से जुड़े, जिसके साथ एक लंबे समय तक संबंधित रहे। इस नातक होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मोदी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा की और अनेक धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। 1969 या 70 में वे गुजरात लौटे, उसके बाद अहमदाबाद चले गए। 1971 में वह आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश भर में आपातकाल की स्थिति के समय उन्हें कुछ समय के लिए अज्ञातवास करना पड़ा। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंच गए। गुजरात भूकंप 2001 भुज में जो हां भूकंप आया था, वहां गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण श्री नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। श्री नरेंद्र मोदी शीघ्र ही विधायी विधानसभा के लिए चुने गए। 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया। इस समय उनके संचालन की आलोचना भी हुई। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल, जिसे SIT भी कहते हैं, उसे अभियोजन पक्ष की कार्रवाई आरंभ करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिला। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियां, जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय दिया गया, वे गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उन्हें उनके अच्छे कामों के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात का मुख्यमंत्री चुना। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त श्री नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से हैं। टाइम पत्रिका में भी मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर 2013 के 42 उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी एक राजनेता और कवि हैं। वे गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते हैं। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गृह राज्य गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत दर्ज की। उनके राज्य में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं बुनियादी सुविधाओं पर खर्च तेजी से बढ़ा। उन्होंने अफसरशाही में कई सुधार किए तथा योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया। नोटबंदी के बारे में आप सबको तो पता ही है। इसके बाद 2019 में भाजपा ने उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ी जीत हासिल हुई। पार्टी ने कुल 303 सीटों पर जीत हासिल की और 30 मई 2019 को शपथ ग्रहण कर नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस जीत के बाद प्रशासन ने जम्मू कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा को रद्द कर दिया और 370 को हटाया गया, आर्टिकल 370।
उनके प्रशासन में नागरिकता संशोधन CAA का नियम भी पेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। मोदी अपने हिंदू राष्ट्रवादी विश्वासों और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनकी कथित भूमिका पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का एक आंकड़ा बना हुआ है। मोदी के कार्यकाल में भारत ने लोकतांत्रिक बैकस्लाइडिंग का अनुभव किया है। उनकी शादी आप सबको पता ही होगा, उनकी शादी हुई थी मगर ये कामयाब नहीं हुई। 13 वर्ष का युवा नरेंद्र की शादी यशोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई। जब उनका विवाह हुआ तब वह मात्र 17 वर्ष के थे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार पति पत्नी ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए। उन दोनों की शादी जरूर हुई परंतु वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने घर त्याग दिया और एक प्रकार से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा हो गया। अगर किसी के सामने करेज और साहस का जीता जागता कोई इंसान का नाम है तो वह है नरेंद्र मोदी। वो कभी किसी काम में पीछे नहीं हटे।